Okay, good morning students. So students, our today's topic is company. Okay, so what is the meaning of company? The term company means an association of a group of persons who have come together for a common purpose, that is to do business and earn profit. So what is company? जो company है उसका मतलब क्या है? Company का मतलब है an association of a group of persons who have come together. इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ आते हैं, मिलते हैं किस चीज के लिए? एक कॉमन पर्पस के लिए. किस चीज के लिए? कॉमन पर्पस में. और वो होता है बिजनेस करना और प्रॉफिट अर्न करना. सो यू कैन ऑल्सो से दैट द कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस. किसी बिजनेस को करने के लिए वो क्या होते हैं? एक साथ मिलते हैं. हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम कंपनी का है नेम होना. And limited liability and having a separate legal entity. So this is the meaning of company. Company क्या होती है? Company होती है जब हम group of person क्या होते हैं मिलते हैं और किस चीज के लिए common purpose वो होता है business करना profit earn करना. और उस business का एक name होना distinct name, limited liability and having a separate legal entity. Okay? और जो ये name होता है company का ये मैनेजर होते हैं पहले सिलेक्ट करते हैं और वो नेम कभी भी दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए. ओके सो हेयर आर सम कीवर्ड्स ऑफ कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी क्रिएट होती है लॉ से. ओके सेकेंड अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन. जैसे कि हमने बड़ा कंपनी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन. उसमें क्या होते हैं? बहुत से लोग आते हैं साथ में के एक कॉमन पर्पज होता है वो होता है बिजनेस को. थर्ड दे शेयर द प्रॉफिट और लॉस. इसमें क्या होता है? जो कंपनी होते हैं जितने पार्टनर होते हो क्या अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो क्या करते हैं? शेयर करते हैं. नेक्स्ट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड. जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो क्या होती है? लिमिटेड. ओके सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट. ओके सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंपनीज. कंपनीज कितने टाइप की होती है? First, royal or chartered companies. Second is statutory companies and last is registered company. Okay, so here are some keywords of company. A company is an artificial person created by law. Company क्या होती है? Artificial person जो किसी क्रिएट होती है laws. Okay. Second, a company is an association of many persons. जैसे कि हमने बड़ा company क्या होता है? Association of many persons. उसमें क्या होते हैं? बहुत से लोग आते हैं साथ में के एक कॉमन पर्पस होता है वो होता है बिजनेस को खोलना. थर्ड दे शेयर द प्रॉफिट और लॉस. इसमें क्या होता है? जो कंपनी होते हैं जितने पार्टनर होते हो क्या अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो क्या करते हैं? शेयर करते हैं. नेक्स्ट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड. जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो क्या होती है? लिमिटेड. ओके सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट. ओके सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंपनीज. कंपनीज कितने टाइप की होती है? फर्स्ट रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज. सेकेंड इज स्टैचुअरी कंपनीज एंड लास्ट इज रजिस्टर्ड कंपनीज. ओके सो नाउ हियर वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंपनीज. फर्स्ट इज रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज. So historically most of the early companies were set up by a royal charter. तो वर्ड हिस्टोरिकली जो पहले की जो कंपनीज होती थी वो कैसे सेटअप होती थी? बाय अ रॉयल चार्टर. नाउ एग्जाम्पल ऑफ रॉयल चार्टर कंपनी. फर्स्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड. जो ये कब फॉर्म हुआ था? 1694 में. एंड सेकेंड इज द ईस्ट इंडिया कंपनी जो कब फॉर्म हुआ था? 1600. ओके सो दिस कंपनी क्रिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड. जो इस टाइप की कंपनीज होती थी किससे कौन रेगुलेट करते थे? किंग और क्वीन. क्योंकि ये पहले एंशियंट टाइम्स की कंपनीज हुआ करती थी. नेक्स्ट इज इन इंडिया दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट नाउ बिकॉज देयर इज नो मोनार्की. इस टाइम की जो इस टाइप की जो कंपनीज होती है इंडिया में एग्जिस्ट नहीं होती है बिकॉज देयर इज नो मोनार्की. क्योंकि यहाँ पे ये मोनार्की नहीं है. कंपनी मेंबर नॉट लायबल फॉर एनी टैक्स. अब क्या होता है? जो कंपनी होती है जो इस कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके होते हैं नॉट लायबल फॉर एनी डेट. सो डेट कंपनी एंजॉय अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो इससे क्या होता है? जो कंपनी होती है क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. जो ये होती है रॉयल चार्टर्ड कंपनी
ये आप इंग्लैंड में भी ज्यादा मतलब नहीं चलती है। सो आर थर्ड एंड लास्ट कंपनी इज रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड एंड विद द कंपनी एक्ट 2012। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी होती है, कब रजिस्टर होती है, किसके अंडर होती है, अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ओके, सच कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन दे हैव रजिस्टर्ड। ये कंपनीज कब एग्जिस्टेंस कब स्टार्ट होती है, ये जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है और इनको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ग्रांटेड टू देम बाय द रजिस्ट्रार। जब रजिस्ट्रार के थ्रू उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है तब वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन रजिस्टर्ड कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी आती है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी। ओके, ओके, सो जो रजिस्टर्ड कंपनी में टू कंपनीज आती है, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वेयर बिटवीन 1 and 99 पीपल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिजनेस। इसमें क्या होता है, 1 and 99 पीपल क्या हो सकते हैं, साथ में सबका एक बिजनेस खोल सकते हैं। नेक्स्ट, द ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जो इसके ऑनर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स। एंड दे इन्वेस्ट मनी, और ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं मनी कंपनी में। ओके, नेक्स्ट, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड। अब क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो क्या होता है, डिवाइड करा जाता है प्रोपोर्शन रेशियो एंड शेयर्स नॉट ऑफर टू द पब्लिक। जो शेयर होते हैं वो ऑफर नहीं किया जाता पब्लिक। द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मेक डिसीजन। इसमें क्या होता है कि जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सेकेंड, जो रजिस्टर्ड कंपनी थी वो है पब्लिक कंपनी। दिस कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी कैसे होती है, दिस कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये क्या है, प्राइवेट कंपनी भी ऐसे नहीं होती है। सो इट हैज मिनिमम पेटअप कैपिटल ऑफ 5 lakh rupees। इसमें जो मिनिमम पेटअप कैपिटल होता है वो होता है 5 lakh rupees। ओके, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 7% टू फॉर्म पब्लिक कंपनी। कितने परसेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 7% होने चाहिए टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को फंड। सो इट विल हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स का। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, एंड टुडेस टॉपिक इज कंपनी। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। द टर्म कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस दैट इज to do business and earn profit. So, what is company? जो company है उसका मतलब क्या है? Company का मतलब है an association of a group of person who have come together. इसमें क्या होता है? Group of person एक साथ आते हैं, मिलते हैं. किस चीज के लिए? एक common purpose के लिए. किस चीज के लिए? Common purpose के लिए. और वो होता है business करना और profit earn करना. So, you can also say that the company is voluntary association of person formed for the purpose of doing business. किसी business को करने के लिए उनके होते एक साथ मिलते हैं। Having a distinct name, company का है name होना and limited liability and having a separate legal entity. So this is the meaning of company. Company क्या होती है, company होती है जब हम ग्रुप ऑफ पर्सन क्या होते हैं, मिलते हैं और किस चीज के लिए, कॉमन पर्पस वो होता है बिजनेस करना, प्रॉफिट अर्न करना। और उस बिजनेस का एक नेम होना डिस्टिंक्ट नेम, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, और जो ये नेम होता है कंपनी का, ये मैनेजर होते हैं पहले सिलेक्ट करते हैं, और वो नेम कभी भी दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए।